मैं सुलक्षणा पाटिल, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं आज की खबरें। मुठभेड़ में जाबाज पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के जनपद बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के बड़ापुरा रोड से पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 शातिश बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से कार, 3 तमंचे, कारतूस और 1 किलो चरस बरामद किया है। इन बदमाशों पर कई थानों में लूट और हत्या के कई मुकदमे दर्ज है। बिजनौर में बढ़ रहे अपराधों पर रोक लगाने के लिए एसपी ने सभी थानों को दिशा निर्देश देकर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में थाना नगीना की पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान बड़ापुरा रोड के पास एक संदिग्ध सेंट्रो कार को रोका तो उसमें 4 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग कर घेराबंदी कर चारों बदमाशों सुहेल, शानू, वसीम और शाकिर को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनौर। कल शाम थाना नगीना पुलिस चेकिंग के दौरान बड़ापुर रोड में आम के बाग है एक ईदगाह के पास, वहां से सेंट्रो में बैठे हुए 4 बदमाशों को रोका। इन लोगों ने पुलिस मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार किया गया है। चारों बदमाश जो पकड़े गए हैं ये वसीम पीछी, शानू, सुहेल, शाकिर हैं। इनका काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। वसीम चीची के ऊपर 32 मुकदमे पहले से हैं, हिस्ट्री शीट भी खुली हुई है और 35D गैंग का ये मेंबर है। इसके अलावा जो अन्य इसके साथी हैं उन पे भी मुकदमे दर्ज हैं। सभी को पकड़कर इनके पास से सेंट्रो गाड़ी बरामद हुई है, 3 तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं और चरस बरामद हुई है 1 किलो। इनको जेल भेजा जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।